माँ का कंबल। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर नौकरानी जैसे काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम नहीं करती थी। हमेशा एक ही बात को याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करेगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी गई और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसका बेटा लायक हो गया। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने तक का भी वक्त नहीं था। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के जूठे बर्तन धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के घर के। पहले वो बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बहू और बेटे के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद तो आखिर उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी, आज बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए शरीर में जान नहीं है, इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है, बेटा कल एक कंबल लाकर दे दो। बेटा गुस्से से बोला, इस महीने घर के राशन और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है। पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ पैसे हैं लेकिन उससे बच्चे का स्वेटर लाना है, तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लाना है, तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो, हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है, सिर्फ 2 महीने ही सर्दी निकल लो, अगली सर्दी में देखेंगे। बेटा बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने उसको खबर दी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, सभी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा सोल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी सिर्फ एक कंबल के लिए। मित्रों, अगर आपको माँ बाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो भी हो वो उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से हो। जीते जी, अपने माँ बाप की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अपने माता पिता की जीते जी इज्जत करे, प्रेम करे और उनका मान सम्मान बनाए रखे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।